हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है एक व्लॉग। तो ये व्लॉग में हम कुछ करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेरे को पुराने ब्रशेस वगैरह मिले, मेरे को मैं साफ कर रही थी मेरे रूम वगैरह एंड कलर पैलेट्स। तो इन सबको मेरे को अभी करना है साफ। तो ये क्या है ना, सारे ब्रश ऐसे हार्ड हो गए हैं। मैं तब, ये बहुत पुराना है एंड मैं तब अच्छे से ब्रश को धोकर भी नहीं रखती थी। तो यहाँ पे मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है एंड अभी मैं ये सारे ब्रशेस को लूँगी एंड इसमें डुबा दूँगी। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ऐसा कुछ ब्रश वगैरह हार्ड हो गया है, तो आप ऐसे इसे मतलब सॉफ्ट कर सकते हो। तो ये ब्रश लीजिए, फिर इसे पानी में डुबा के रख दीजिए, मतलब कुछ आवर्स के लिए। तो ये यहाँ पे रहने देता है एंड मेरे पास एक दो कलर पैलेट है, एक ही कलर पैलेट है जो कि बहुत ही गंदा हो गया है एंड वो ये साफ ही नहीं होता। एंड ये क्या है ना, ये वाला कलर पैलेट तो नहीं है बट कलर पैलेट की तरह है एंड इसमें बहुत सारे कलर्स है जो कि पूरा गंदा हो चुका है, कलर सारे मिक्स हो गए हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इस कलर को पूरा मतलब पानी कर दूँ, फिर इसे निकाल दूँगी, अच्छे से साफ कर दूँगी एंड ये भी एक कलर पैलेट बन जाएगा। तो मैं इन्हें भी अभी डुबा के रखूँगी ताकि इनके ये जो कलर्स लगे हैं ये सारे हार्ड हैं तो ये सॉफ्ट हो गए। तो यहाँ पर मैंने इन्हें डुबा दिया, इसको तो अच्छे से डुबा के रखना है। अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आज का ब्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आज इस ब्लॉग में क्या करने वाली हूँ। तो मैं आज इस ब्लॉग में एक चैलेंज करने वाली हूँ जो कि मेरे को बहुत दिन पहले कमेंट आया था कि आप चैलेंज करो। उन्होंने दो ऑप्शन दिया था, तो मैं दोनों ही करूँगी बट आज नहीं, आज बस एक ही करूँगी। एंड ये तो चैलेंज वगैरह मैं आगे नहीं कर पाऊँगी बिकॉज अभी स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, न्यू सेशंस शुरू हो जाएंगे, ट्यूशन वगैरह बहुत कुछ है, मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी। एंड ये चैलेंज का नाम है 24 आवर्स ड्राॅइंग चैलेंज। तो मैं आज 24 आवर बस ड्राॅइंग ही करने वाली हूँ एंड अभी 10 बज चुके हैं। मैं सुबह 7 बजे उठी थी, फिर 7:30 बजे मेरा ट्यूशन था, मैं ट्यूशन से भी आ गई हूँ 9 बजे। तो अभी क्या है ना, मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाती हूँ, देन हम शुरू करेंगे हमारा 24 आवर चैलेंज। तो आज बस मैं ड्राॅइंग ही करने वाली हूँ। तो फ्रेश होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैलेंज का रूल। तो इस चैलेंज का रियल वाला रूल तो जो है मैं वो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। वो रूल है कि पूरा का पूरा 24 आवर्स बस बैठ के ड्राॅइंग ही करो। तो मैं ये वाला रूल तो फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपना खुद का एक रूल बना रही हूँ कि मैं पूरा का पूरा 24 आवर्स यहाँ पे बैठ के ड्राॅइंग नहीं करने वाली। मैं मतलब बीच बीच में ब्रेक लूँगी, मतलब एक ड्राइंग ख़त्म हुआ तो 5 मिनट का ब्रेक, बिकॉज पूरा मैं कंटिन्यूसली बैठ के बिल्कुल ड्राइंग नहीं कर पाती हूँ। तो ये वाला है रूल, बस इतना ही नहीं, मैं बाथरूम जा सकती हूँ एंड भूख लगे तो, मतलब लंच वगैरह वो सब करने के लिए मेरे को ब्रेक चाहिए एंड तो इतना ही है रूल बस, और कुछ नहीं। और जितना टाइम है हम उसमें बहुत सारे ड्राइंग करने वाले हैं। मैं आज मैंने सोच लिया है क्या क्या ड्राइंग करूँगी। मैं आज वाटर कलर का भी ड्राइंग करूँगी एंड आप देख लेना क्या क्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। तो मैं अभी पूरा का पूरा रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी बज गए हैं 11, पूरा 11 ही बजे हैं अभी। तो अभी हम हमारा चैलेंज शुरू करते हैं। तो पहले मैं मेरे सारे आर्ट के सप्लाईज़ वगैरह सब कुछ निकाल लाती हूँ, फिर
फिर यहाँ पे नीचे हम करने वाले हैं कर दिया साफ। बहुत ही गंदा हो गया था तो साफ कर दिया। अभी मैं निकालने वाली हूँ सारे, मतलब आर्ट में अभी मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए तो मैं वो निकाल देती हूँ, फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हम हमारा चैलेंज शुरू करते हैं। तो पहले इसमें मेरे कुछ आर्ट की चीज़ें हैं जो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक कैनवास का पैड है, ये मैंने ख़रीदा था बट यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया था। तो आज मौका मिला है तो इसे भी यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे पेजेस है कैनवास पेपर के, तो मैं आज इसमें भी करने वाली हूँ। ये बहुत ही छोटा सा है तो छोटा छोटा इसमें हम वाटर कलर कर सकते हैं। तो इसे रखते हैं एंड इसमें और कुछ नहीं चाहिए। एंड अभी इसमें चलते हैं। तो ये देखो, ये है मेरे पास एक कैनवास जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है, तो ये इसमें भी देखते हैं आज कुछ करेंगे। मेरा जो कबर्ड है इसमें सारे मेरे आर्ट के सप्लाईज हैं, ये सारे इसमें बहुत सारे मेरे आर्ट की चीज़ें वगैरह हैं। तो पहले तो हमें अभी चाहिए वाटर कलर, तो ये है मेरा वाटर कलर बॉक्स जो कि मैंने खुद बनाया है। इसमें माय कलर बॉक्स, इसे मैंने पूरा का पूरा कार्डबोर्ड से अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके मैंने पूरा बनाया है इसमें। एंड इसमें पूरा फुल वाटर कलर्स है, आई थिंक फैब्रिक कलर वो सारे है इसमें। तो इसे भी हम अभी यूज़ करेंगे। एंड ये वाला एक इसमें भी फुल ऑफ मेरे मतलब वाटर कलर की चीज़ें हैं। सारे वाटर कलर ट्यूब्स वगैरह सब इसमें हैं, तो ये भी सारे ज़रूरत होंगे। बहुत सारे वाटर कलर ब्रशेस हैं मेरे पास एंड कुछ मैंने वहाँ पे पानी में डुबा के रखा है, वो भी अभी हम ले आएंगे। ये बोर्ड चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देती हूँ कि इस बॉक्स में मेरे कितने कलर्स है। तो इसमें पूरा फुल वाटर कलर मतलब फैब्रिक कलर्स है, इसमें बस फैब्रिक कलर्स ही है। ये वाला वाटर कलर ब्रशेस दिखा देती हूँ इसमें। तो इसमें बहुत सारे हैं, इसमें मेरे पास सारे साइजेस के हैं सारे। वाला बॉक्स से भी कुछ कुछ निकाल लेते हैं, सारा चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें से ये वाटर कलर ट्यूब्स है मेरे पास, तो इनका भी ज़रूरत हो सकता है तो इन्हें भी बाहर रखते हैं। एंड ये वाला और एक वाटर कलर ट्यूब है मेरे पास, इसमें और भी बहुत सारे कलर्स है उसमें नहीं है ये सारे, तो ये वाला मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ तो इसे भी बाहर ही रखते हैं। एंड ये वाला एक कलर पैलेट है बट ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये सब भी मेरे पास ये भी वाटर कलर्स है।
भी देखते देखते इससे भी हम करेंगे आज। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे सारे वाटर कलर्स तो मैंने डुबा के रखे थे, अभी आई थिंक हो गया है। ये वाला सारे सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, इन्हें मैं निकाल दूंगी। तो देखो प्लस सॉफ्ट हो गए, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, फिर ये भी एक वाटर कलर पैलेट बन जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये वाला साफ करके ले आई हूँ। ठीक है, अभी पहले हम इसमें करने वाले हैं ये इसका साइज है 8, तो मैं अभी ये वाला यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ना मेरे को अभी इसका बैकग्राउंड कलर करना है पहले। तो बैकग्राउंड के लिए मैं कलर लेने वाली हूँ यहाँ से, ट्यूब कलर्स लेने वाली हूँ, क्योंकि ना इसमें कलर्स है जो मेरे को चाहिए। तो ये लाइट ब्लू चाहिए मेरे को, एंड मेरे को चाहिए डार्क ब्लू भी, वाइट, देन पर्पल। तो मेरे को ये चार कलर चाहिए अभी।
कुछ भी कर दिया जो मन में आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को लगा था कि पहला ही ड्राइंग पूरा ख़राब हो जाएगा, मेरे को ये लगा था पहले, बट नहीं, ये अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद इसमें और एक करते हैं, ये वाला नाइट वाला हुआ ना, तो अभी एक मॉर्निंग जैसा करते हैं, मतलब सुबह हुआ होगा, ये अभी यहाँ पे तो रात हुआ है, मतलब इस ड्राइंग में तो अभी रात हुआ है, तो हम ऐसे अभी करेंगे जिसमें सुबह हुआ होगा अभी। तो पहले इसे थोड़ा सा अभी सूखने देते हैं। अरे ये चिपक गया सर, ये थोड़ा सा सूखने देते हैं, बहुत ही गीला हो गया। तो अभी मेरा एक ड्राइंग ख़त्म हुआ, तो मैंने जैसे बोला था 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, तो या तो अभी कितना बजा है हैं। ओके 12 बज गए, मतलब 1 आवर हो गया ये वाला ड्राइंग करते, पता ही नहीं चला, मतलब पूरा का पूरा 1 आवर हो गया। अभी 12:09 हुए हैं, तो मैं 12:15 सॉरी, तो अभी 10 बज गए, मतलब 12:10 हो गए, तो मैं 12:15 को आके और एक ड्राइंग करूँगी, तो तब तक ये सूख भी लग गया होगा, तो हम और एक भी करेंगे। ओके तो ब्रेक ख़त्म हो गया, एंड अभी ये सूखा तो नहीं है, तो इसलिए मैं पेपर लेके आई हूँ जिसमें हम इस वाटर कलर से कुछ करेंगे। ओके तो मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, एंड इसमें अभी हम करने वाले हैं, ये वाला है 2 साइज़ का, ये फ्लैट ब्रश है, इसका साइज़ है 2, ये वाला कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी। Thank you.
1:20 बजने जा रहे हैं एंड मैंने ये शुरू किया था आई थिंक 12:15 को एंड हाँ मैं बीच में थोड़ा सा नीचे चली गई थी या नहीं तो मेरा कब का ख़त्म हो जाता। तो ये वाला भी हो गया मेरा एंड यहाँ पे ये वाला भी सूख चुका है, ये वाला भी सूख चुका है। तो अभी हम इसमें दूसरा करेंगे। ड्राइंग भी हो गया एंड ये बहुत ही जल्दी हो गया, अभी 2 भी नहीं बजे, 2 बजने को और 10 मिनट है पर मेरा ख़त्म हो गया। मैंने शुरू किया था 1:30 को तो ये ख़त्म हो गया।
तो अभी ये तो बहुत में नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक और कुछ करती हूँ। वीडियो मतलब बहुत ही बड़ा हो गया, बिकॉज 24 आवर्स था, तो मतलब बड़ा तो होगा ही, क्या ही कर सकती हूँ मैं। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, एंड ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। कमेंट करके बताना कि आपको इन सारे ड्राइंग में से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद लगा, एंड आप लोग भी ट्राई कर रहे हो तो मेरे को ज़रूर बताना। तो एंड और कुछ चैलेंजेस अगर है आपके पास आइडिया तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।